क्वेश्चन नंबर एट पेज नंबर भी एट पेज नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देखो क्या है ठीक है रे देखो रे अपना डीसीटी का क्वेश्चन है ठीक है ये बोल रहा है कि एक कॉपर पहले देखो क्वेश्चन पढ़ लो तुम हमको जरा याद नहीं है देख तो लिए हम तो हमें लगा कि एक ऐसा कुछ कॉपर का सिलेंड्रिकल वायर है जिसका ये कॉपर का है रे यस सर ठीक है इसका रेजिस्टिविटी रो है रो वन ये जो भी है और इसका रेडियस स्मॉल आर इसके बाहर में एक और वायर ऐसे कोएक्सियली अरेंज कर दिया गया है निकल प्लेटेड कर दिया गया ठीक है और इसका आउटर रेडियस क्या है कैपिटल आर सही है तो यस सर इसका रेजिस्टेंस आर वन होगा इसका रेजिस्टेंस आर टू होगा तो आर वन हो जाएगा रो वन एल बाय एरिया पाई आर स्क्वायर और रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड हो जाएगा रो टू एल बाय एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अब देखो ये आर वन और ये इधर का एक पॉइंट सेम है और इधर एक पॉइंट सेम है तो ये रेजिस्टेंस आर वन हुआ और इसके साथ ये आर टू जुड़ा हुआ है तो ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है ठीक है पैरेलल कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में सो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू समझ में आया सो कंडक्ट 1 बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सी ओ एन डी यू सी टी एन सी कंडक्टेंस समझ में आया तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस इज 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू देखो रे मैच कर रहा है रे आंसर ऑप्शन देखो बोलता ना भिखारी अबे सी आंसर का दिया अबे सी मैच कर रहा है आंसर एक मिनट आंसर मैच कर रहा है मैच कर बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी देखो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ठीक है एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस समझ गए अरे सही यस सर अरे भव्य है क्या भव्य दिख निरा रही भव्य है जिंदा धरती पे नहीं है लगता है अरे और किसी को कुछ पूछना है सर टेस्ट का ही पूछना है ना अभी टेस्ट का ही बता रहे हो ना आप टेस्ट का डाउट है हाँ बोल लो टेस्ट का डाउट सब लोग टेस्ट दे दिए थे रुको हम जरा टेस्ट पेपर खोल ले बोलो क्या डाउट आ रहा है टेस्ट पेपर सर एक तो सेकंड वाला क्वेश्चन है एक मिनट यही वाला क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर सेकंड ना यस सर अरे है ना हाँ सर ठीक है ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करोगे क्या होगा कैपेसिटर एरिया ए दिया हुआ है कहा गया एरिया ए दिया हुआ है ठीक है प्लेट ऑफ मास m2 m1 है इस प्लेट का मास m2 है सो दैट द सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम ठीक है द वैल्यू ऑफ मास ऑफ ईच प्लेट इज m2 इसका मास और इसका मास m2 है द लोअर प्लेट इज रिजिडली फिक्स्ड सो दैट द सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम क्या निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 तो देखो यार ऐसा है ठीक है कि m1 का वैल्यू निकालना अब तुम्हें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुम ड्रॉ करो ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का तो इस पे एक फोर्स लगाता होगा प्लेट खींचता होगा और इस पे टेंशन ऊपर होता होगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे टी बराबर एफ प्लस एम टू जी रहेगा हाँ सर अगर रहेगा ना और यहाँ पर टी का अगर बात करें तो टी इज ऑल्सो इक्वल टू एम वन जी तो ये टी और ये टी क्या हो जाएगा बराबर और ये f का वैल्यू जो तुम्हें पता है f का वैल्यू कहा था रे q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a ना यस सर फोर्स बिटवीन प्लेट तो हमने इस प्लेट का देखो इस प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम बना इस प्लेट पे एक फोर्स लगेगा और एक इसका वेट लगेगा m2g और इधर धागे का टेंशन t तो ये t इसके बराबर होना चाहिए अबे हां ना यस सर और इधर का इधर से अगर इस ब्लॉक का अगर बात करें तो यहाँ का टी क्योंकि एक ही धागा है यहाँ से आता टी बराबर क्या होना चाहिए एम वन जी तो आंसर बेस्ट आंसर का दिखता है सी सॉरी थर्ड सही है आगे चलो आगे बोलो बोलते चलो फटाफट बोलते चलो ज्यादा समय ना लो पढ़ाना भी है इधर हो क्लियर है सभी लोग टेस्ट दिए थे ना कुछ लोग मैंने बाद में सॉल्व कर लिया था आपसे बोल भी दिया था ना चलो ठीक है सभी लोगों को टेस्ट पेपर देना जरूरी होता है क्योंकि नया क्वेश्चन कैसे करोगे चलो बोलो आगे और किसी को डाउट है रिसीवा 5 आइडेंटिकल प्लेट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 5 आइडेंटिकल प्लेट एरिया सबका दिया हुआ है एडजेसेंट डिस्टेंस डी अपार्ट
ठीक है d दिया हुआ है द प्लेट्स आर कनेक्टेड विद वोल्टेज v तो देखो v वोल्ट से है तो हमें बताना है चार्ज ऑन प्लेट 4 चौथे प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होगा ठीक है तो अपन क्या करते हैं यहां q1 मानते हैं तो यहां माइनस q1 देखो ये माइनस प्लेट है तो यहां पे चार्ज माइनस ही रहेगा हर जगह है ना ये माइनस q1 यहां पर माइनस q2 मानते हैं तो ये प्लस q2 यहां पर मान लेते हैं q3 तो ये माइनस q3 ठीक है ये माइनस q4 तो ये समझ गया तो इसको ऐसा क्या करना है समझ गया तक अब इसमें क्या करो ठीक है अब देखो पहला जो कैपेसिटर है इसको देखो अब देखो टोटल मिलाकर के कितना पोटेंशियल है इसको p मान लो इसको q मान लो तो पहला कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है एक पॉइंट p है और एक पॉइंट q है पहला कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है p एंड q से अपने को चौथे पे निकालना ठीक है तो चौथे पे माइनस चार्ज होगा इसके इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v ठीक है तो q क्या होगा cv और इसके इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v तो इधर चार्ज कितना होगा ये भी होगा cv अब देखो ये जो चौथा प्लेट है इधर पांचवा प्लेट है इधर तीसरा प्लेट है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहां चार्ज माइनस q यहां प्लस q क्योंकि ये दोनों आपस में तीसरा और पांचवा जुड़ा हुआ इधर भी चार्ज माइनस q और इधर प्लस q तो चौथे प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हो गया माइनस 2q is equal to minus 2q मतलब c into v c मतलब epsilon not a by d समझ में आया रे अब काम करे ठीक है देखो इसमें इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस भी है इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है जिस पे चार्ज तो हम निकाल ही सकते हैं ना इधर और इधर तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज 2cv रहेगा माइनस 2cv क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है क्लियर है हुआ बंस हां सर चलो आगे बोलो उसको पूछना है कि हो गया जिंदा है गया सर बता दीजिए एक बार कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव प्लेट इज c द इक्विवेलेंट कितना प्लेट है 1 2 3 4 5 6 6 प्लेट है हम 6 प्लेट बनाते हैं बाकी फिगर बताना 1 2 3 4 5 6 अबे कौन-कौन कहां-कहां जुड़ा हुआ है दिख रहा है फोटो तो नहीं दिख रहा होगा हां बोलो ये 6 प्लेट हमने बनाया अब बताओ कि कौन सा प्लेट कहां पे जुड़ा हुआ है ये बता दो क्योंकि हमको दिख नहीं रहा फोटो पहला तीसरा और पहला थर्ड वाले से पहला थर्ड वाले से और थर्ड वाला फिफ्थ वाले से एक पहला तीसरा और पांचवा ये पॉइंट कौन सा है रे ए की बी की सी सर ए ए और बी कौन सा है रे सर सबसे नीचे वाली लाइन सबसे नीचे वाले का इधर वाला पॉइंट ये बी और उसके उससे मतलब सर अल्टरनेटिव में जो ऊपर है सिंगल वो सी है अपने को क्या निकालना है पहला कैपेसिटेंस अक्रॉस सर पॉइंट ए एंड बी एंड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एक मिनट पहले ए एंड बी तो सबसे पहले अपन ए पॉइंट बनाते हैं बी पॉइंट बनाते हैं इसको सी है दिया हुआ इसको डी मान लेते हैं तो एक पॉइंट हमारा हो गया सी और एक पॉइंट हो गया डी ऐसा मान लें ठीक है अब देखो पहला कैपेसिटर ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा तो सबसे पहले पहला कैपेसिटर किस किस से जुड़ा हुआ है ए और डी से पहला कैपेसिटर ए और डी से जुड़ा हुआ है जोड़ दें ए और डी से लिया पहला सही है रे यस सर दूसरा किससे जुड़ा हुआ है रे सर डी नीचे वाला है उसके शायद अबे एक चीज बोला करो तुमने सी बोला हमने सी बना रामपुर नहीं सर बट वो जो आपने एक सिंगल बीच वाली लाइन है ना वो डी नहीं है वो जोड़ा नहीं है किसी से भी डी तो सर आपने पहला कैपेसिटर ए और डी से बनाया तो डी तो किसी से भी नहीं जोड़ा है तुमसे जितना बोला उतना सुना बे हरामपुर इस कैपेसिटर इस प्लेट को हमने डी पॉइंट मान लिया इस प्लेट को जुड़ा मत रहे यस सर पहला कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है डी हां सर डी से जुड़ा हुआ है अबे ये ए अगर है तुम बैलो करे ये अगर ए है तो ये भी ए है ये भी ए है ये भी है एक ही पोटेंशियल पे है ये तीनों तो दूसरा कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है और दूसरा टांग एक डी से जुड़ा हुआ है के से जुड़ा हुआ है सेकंड कैपेसिटर डी बैल हो तुम और तीसरा किससे जुड़ा हुआ है ए और सी से तो ए और सी से तीसरा जुड़ा हुआ है ठीक है चौथा किससे जुड़ा हुआ है सी से और ए से ठीक है चौथा भी सी से और ए से जुड़ा हुआ है तो एक और कैपेसिटर ए से जोड़ देते हैं सी से और ए से ये चौथा हो गया पांचवा किससे जुड़ा हुआ है पांचवा जुड़ा हुआ है ए से और बी से पांचवा जुड़ा हुआ है ए से और बी से समझ में आया अब बोलते काहे नहीं हो
हां सर यस सर अब तुम्हें पहला कैपेसिटर एबी के क्रॉस निकालना था ठीक है तो सबसे पहले ये सारा फिगर क्लियर है भाई ए पॉइंट हमने रखा इसको तो ये पूरा कंडक्टर एक ही है यहां से यहां तक तो ये पूरा ए हुआ ये भी ए हुआ और ये भी ए ही हुआ समझ में आया ये दूसरा कंडक्टर हमारा डी है तो ये डी हो गया हमारा तीसरा कंडक्टर हमारा सी है तो ये एक कंडक्टर हो गया चौथा कंडक्टर ये है तो हमने चार अलग अलग पोटेंशियल लिया एक ए एक डी एक सी और एक बी देखो ए डी सी डी जिधर मन किया उधर उधर ले लिए बराबर है क्वेश्चन पूछा अक्षत ने पूछा अक्षत कहाँ है रे अक्षत अक्षत यस सर सुनाई दे रहे तुमको तो अब ये बताओ कि कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा ए और बी के क्रॉस अगर बैटरी लगाएंगे तो क्या ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा ए बी के क्रॉस कैपेसिटेंस क्या होगा सिर्फ यही रहेगा ना हाँ सर अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्या है रे सी क्रॉस अबे ए बी के क्रॉस नहीं पता एसी के बीच में एसी एसी तो एसी के क्रॉस अगर देखें तो व्हाट इज कैपेसिटेंस सी और सी कितना हो जाएगा दूसी। दूसी। तो रेशियो किसका निकालना है ये समझ में आ रहा है तुमको हाँ सर सर बस ए निकालना है हाँ सर एसी इतना होगा और ए बी इज इक्वल टू सी होगा ये क्लियर हुआ क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमने तुम्हें उपाय बताया था कि भाई जितने पोटेंशियल होंगे उतने पॉइंट्स तुम बना लेना तो इसमें कंडक्टर कितने हैं एक तो ए कंडक्टर है ठीक है जो यहाँ से यहाँ तक है एक डी कंडक्टर है जो अकेला है एक सी कंडक्टर है जो अकेला है और एक बी कंडक्टर है जो अकेला तो चार पॉइंट हमने ऐसे बना लिया ए बी सी डी बराबर है पहला कैपेसिटर ए सी से ए डी से जुड़ा हुआ है ए डी से जुड़े दूसरा कैपेसिटर भी एडी से जुड़ा हुआ है तो एडी से जोड़े तीसरा कैपेसिटर ए और सी से जुड़ा हुआ है तो एसी से जोड़े चौथा कैपेसिटर फिर से सी और ए से जुड़ा हुआ है तो सी और ए से जोड़े पांचवा कैपेसिटर ए और बी से जुड़ा हुआ है तो ए और बी से जोड़े समझ में आया अबे आंसर सही है बोलते का नहीं गधो अबे आंसर बोलते का ही नहीं हो ठीक है चलो आगे बोलो इतना आसान क्वेश्चन दिया और तुम लोग नहीं कर पा और क्या डाउट है नहीं बोलोगे तो बढ़ने लगेंगे आगे टेस्ट पेपर और किसी को कोई डाउट है वैभव तनीसा तनीसा बोलो रे तुम्हारा आवाज आजकल बिल्कुल नहीं आता रे हाँ आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा माइक खराब हो गया लगता है बोलो कस के कोई डाउट है तो बोलो लास्ट क्वेश्चन तो रे सार्थक तो तुम लोग ऐसे मुंह में ऐसे जीप पकड़ के ऐसे फड़फड़ाएंगे तब बोलोगे रे स्क्रीन पे आया 22 हाँ सर देखो 22 क्वेश्चन ठीक है एट ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल किसी ने किया रे सी जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है यही होता है अब हमने क्या करा 8 ड्रॉप को जोड़ा मान लो ऐसा ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है तो इसका कैपेसिटेंस इतना रहेगा इस तरह के अगर हमने 8 ड्रॉप्स को जोड़ दिया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये आठवां तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 4 by 3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगा और फाइनल ये दोनों जोड़ के एक बड़ा ड्रॉप बनेगा मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है r'4/3 पाई कैपिटल r'3 ये सब कट जाएगा व्हाट इज r' इज 2r ठीक है सो व्हाट इज c' c' इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r अबे सही सो ये हो जाएगा 4 by epsilon naught r into 2 so c dash is equal to 2 times c naught समझ में आया क्या c naught अगर 4 एक drop का capacitance drop मतलब क्या हुआ sphere अबे कौन बोल रहा है बे बोलते का नहीं हो हाँ समझ में आया हाँ सर drop है ना तो volume तो constant रहेगा ना 8 का volume जोड़ देते हैं तो एक बड़े वाले drop का volume हो जाएगा तो इससे पता चला radius है 2R और कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 pi epsilon naught into r dash हो जाएगा 2R समझ गए सो कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 टाइम चौथा आंसर सही है आगे कौन सा बोल रहे हो बे अरे तीसवा क्वेश्चन किसी का हुआ है क्या द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ठीक है तो जब हम स्विच क्लोज करेंगे तब क्या होगा ठीक है यहां देखो यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना वी
यहाँ का अगर हमने पोटेंशियल जीरो मान लिया तो यहाँ का पोटेंशियल वी और यहाँ का वी तो यहाँ का भी वी, यहाँ का भी क्या वी और यहाँ का भी क्या वी, एक ही रॉड है ना, एक ही लोहा है ना, एक तुम लोग समझते हो रे? हाँ ना, कुछ बोला करो, माइक बंद करके मुंह बंद में बोली रखो। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। एक ही चीज 50 बार पूछते हैं, समझे 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 तो मुंह पे उंगली रख के बैठे रहते। जिसका माइक बंद रहेगा उसको बाहर कर देंगे हम। सो ये भी यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि ये जो जीरो पोटेंशियल है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक ही कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक हर जगह जीरो। और जब ये वी से पार करेंगे तो ये वी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, सही है। और क्योंकि ये जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या वी, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या वी। तो देखो स्विच के अक्रॉस दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, सेम, ठीक है। स्विच के अक्रॉस दोनों जगह पोटेंशियल जो है, शाश्वत का हुआ रे, आवाज नहीं आ रही है रे? शाश्वत तुम लोग को आवाज आ रहा है? सर माइक ऑन करो, रीस्टार्ट करो, नहीं आवाज आ रहा है तो हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर यहाँ का देखो, ये स्विच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। यहाँ का पोटेंशियल भी वी है और यहाँ का पोटेंशियल भी वी है, ठीक है। और इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। तो इस पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो। हाँ सर। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसको अगर हम एक, हाँ हर्षिता बोलो रे, क्या हुआ? अगर हम इसको एक वायर से ऐसे जोड़ भी दें तब भी इसके क्रॉस चार्ज क्या रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, तब भी चार्ज क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। हाँ सर। तो इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब कि चार्ज ट्रांसफर क्या होगा, जीरो। और अगर चार्ज कहीं ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो वर्क डन बाय बैटरी भी जीरो रहेगा और कैपेसिटर में एनर्जी चेंज भी नहीं हुआ। सो टोटल हीट लॉस इन द सर्किट इज जीरो। भाई हीट लॉस तो तब होता है ना जब चार्ज एक जगह से उठ के कहीं दूसरे जगह जाए। ये तुमको समझ में आया कि स्विच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो ये तार से जुड़ा रहे या इसको हम ओपन कर दे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा क्या? सर आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रहा है रे, शाश्वत बोलो। हाँ सर, वो मैं पहले पूछ रहा था पर आवाज ही नहीं जा रही थी। अच्छा पहले पूछ रहे तो आवाज नहीं जा रहा था, अब पूछ रहे तो आवाज आ रहा, बोलो सर। 18th वाला, ये समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया रे, बोलो रे, कौन पूछा था रे? शाश्वत कौन पूछा था? ये सार्थक कौन पूछा था? सार्थक समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। कौन सा बताना है सर? 18th वाला, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखो, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखो, इन द सर्किट शोन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हमें निकालना इक्विवेलेंट एक्स एंड वाई के क्रॉस, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस। ये दोनों जो है ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है मतलब तो एक ही तार से जुड़ गया। अबे धरती कंडक्टर होती है ना? हाँ सर। हाँ तो ये चार और चार कैसे जुड़ गया सीरीज में? एक ही। हाँ। तो चार और चार का इक्विवेलेंट क्या हो गया रे? चार और चार का दो हो गया। तो ये दो और ये सी क्रॉस ए बी, सॉरी एक्स वाई इज 5 माइक्रो फैराड। अबे ग्राउंडेड है मतलब एक ही साथ जुड़ा हुआ है और हमें और इस पॉइंट के क्रॉस चाहिए, तो इन दोनों को हम सीरीज में कर लेंगे। सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो, और ये दो, ये दो और ये एक पैरेलल में हो गया। सो आंसर इज 5। बोलो, आसान था ना? पेपर बहुत आसान दिए थे, सब लॉजिकल क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि हम पहले सॉल्व किए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिए जिसमें 2 से 3 मिनट से ज्यादा लगे। चलो बोलो आगे, और है बाकी हो गए थे, बाकी हो गए थे क्लियर। वेरी गुड। और बाकी और किसी को कुछ हो गया सर? अरे और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना होगा। वेरी गुड। देखो तुम लोग रे, तनीषा, ऋषिबा, अभी काम सर इक्विवेलेंट निकालना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे, ये समझ में आ गया, इसमें एक्चुअली इम्पोर्टेंट है करंट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, ये वाला। इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे निकाले थे, सिमेट्री मेथड से भी तुमको बता दिए थे कि ये जो पी और क्यू है इसको हम वायर से भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर वाला बिल्कुल लॉजिक है, ठीक
ठीक है, ये समझा दिए थे पूरा, है ना। आज तुम्हें करना ये वाला, ठीक है, कि ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये सारा लॉजिक अभी हम लोग वही कर रहे हैं जो कैपेसिटर में किए थे, बस सीरीज का पैरेलल पैरेलल का सीरीज करना है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, सभी लोग करके बताइए, कुछ लोग बैठे रहते हैं सुनते रहते हैं, सभी लोग ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है रे, ये सब क्वेश्चन अभी करना, और इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कैपेसिटर में नहीं किए थे, थोड़ा जल्दी जल्दी करो सर। 5R/6 5R/6 सभी का आ गया? हाँ सर 5R/6 है। 5R/6 ठीक है। देखो कुछ नहीं, कुछ नहीं करना था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है, तो यस सर, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। तो हम चाहे तो इस रेजिस्टेंस को गायब भी कर सकते हैं या ओपन भी कर सकते हैं। गायब कर देंगे तो हमारा फिगर जो बनेगा वो बना लेते हैं, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये गायब कर दिया इसको, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे जुड़ गया, यहाँ से ऐसे जुड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर हमने यहाँ लिया, इसको हम ऐसे मोड़ करके, इस वायर को मोड़ करके इसी के साथ ऐसे कर देते हैं। तो जैसे ही ये काम करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़ गया, पैरेलल में। इसको तुम ऐसा करो, पैरेलल में इस रेजिस्टेंस को खिसका करके यहाँ भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है। जैसे ही इसको यहाँ से यहाँ लाओगे, इधर भी कर सकते हो, तो यार आर क्या हो जाएगा, R/2। ये दोनों सीरीज में हो गया, कितना हो गया, 3R/2। आर पैरेलल में हो गया, सो रेजिस्टेंस इज 3R/2 इनटू आर बाय 3R/2 प्लस आर, सो इट इज 3R/5। सही है, यही था ना? यस सर, यही था ना सबका? नहीं सर, मेरा 5R/6 गलत था सर, मेरा मारेंगे, इसमें भी गलती कर दी है तू लोग सर। हाँ, वो उस वाले को हटाया नहीं गलत। अब इसको हटाएं काहे नहीं, देखो जब भी रेजिस्टेंस के, देखो जब भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो हम उस रेजिस्टेंस को या तो गायब कर सकते हैं या वायर बना सकते हैं। तो तुम देखो ना, कैपेसिटर में भी यही काम करते थे ना? यस सर। ठीक है, तो इसको वायर सर आ गया समझ। हाँ सर ठीक है, तो ये लॉजिक सब खाया ना करो बीच बीच में, इसको तो जस्ट हम रिवाइज कर रहे कैपेसिटर, अभी तो नया क्वेश्चन करना है इसमें। Tell me what is the resistance across point A and B? A, B के across resistance बता दो। What is the resistance across point A and B? Sir, same आएगा पिछले वाले जैसा। Sir, same आएगा पिछले वाले जैसा। इसमें दो resistance resistor रख देंगे। Sir, 11R/3 Sir, 2R 5R 2R 3R/5 3R/5, very good। कौन बोला रहे हैं? एक मिनट, 3R/5 very good। कौन बोला रहे हैं? सर कुशाग्र। कुशाग्र, और दूसरा रे ऋषिबा, कितना बोले रे ऋषिबा? सर 2R सर 11R/5 मेरा आया। वेरी गुड, कौन है रे मेरा आला, कौन है रे? सर 11R/3 11R/3 और ये वैभव। सर दिव्यांश। और रे 17R/10 17 का बंद होने वाला है सर। 3R/2 3R/2 कौन है ये? अर्चिता। अनुष्का। अनुष्का सर मेरा भी 3R/2 3R/2। ये जितने आंसर है ये सारे गलत है, समझे? हराम कोरो निठल्लो धरती के पोज पापी, सब गलत। एक का भी सही नहीं आया, एक ने भी बुद्धि नहीं लगाया। इसका मतलब हुआ तुम लोग अभी कैपेसिटर का इक्विवेलेंट नहीं सीखे हो, ठीक है। देखो अब क्या करना था, जो तुम्हें सोचना था तुम सोच नहीं पाए, ठीक। हम फिर से फिगर बनाते हैं, ए पॉइंट देखते जाओ, ये 2R और फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक R, फिर ये R और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2R और फिर ये 2R और ये पॉइंट, ठीक है। अरे ठीक है रे, निकल लो अब बोलते का नहीं। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब ये वाले रेजिस्टेंस को देखो, 3R/2 है क्या? अब तो देखो बकबक करो, एक लपड़ मार निकल के फोन से। ये 2R है, ये 2R है, देखो ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है रे। अरे कैसे जुड़ा हुआ है रे? पैरेलली। पैरेलली जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का पैरेलल, इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं,
ये भी 2R, उसी तरह से इस रेजिस्टेंस को देखो, ये कैसे जुड़ा हुआ 2R इसके साथ, अब कैसे जुड़ा हुआ देखो, यहां यहां पैरेलल ही पैरेलल में है, तो इसका मतलब इस 2R को भी हम इसके पैरेलल में जोड़ेंगे, इसके पैरेलल में, समझे क्या? यस सर। हां सर। अब ये बताओ। हां सर। ठीक है, ये 2R और 2R कितना हो गया रे, ये R, ये 2R और 2R कितना हो गया रे, R R तो नहीं बन गया। यस सर। ए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन नहीं करता तुम्हें, ये तो पिछले ही क्वेश्चन दिए थे, बस डाटा बदल दिए, देखो जरा एक बार कितना आसान क्वेश्चन था, तुम लोग नहीं किए, चेक करो। यस सर। हां सर। कितना आसान था रे, तुम लोग एक का आंसर नहीं सही था, क्लियर है कि दिक्कत है, जो भी स्टेप नहीं समझ में आया बोल दो, ये देखना है कि ये 2R और 2R एक ही तार से जुड़ा हुआ, इतना छोटा सा चीज तुम्हें नहीं दिखा, और ये 2R और ये 2R एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो पूरा पूरा पिछले ही क्वेश्चन, फिर से करो अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी निकालो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, अबे कम रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी बताओ, आर रेजिस्टेंस, यस सर, 2R बाय 3, हां सर, 2R बाय 3 सर, 4R, दूसरा आंसर है 4R, और सर R बाय 7, R बाय 7, और बोलो 5R/2, 5R/3, हम भी जरा 2R/3 हैं, 2R/3, 2R/3, ये दोनों हो, और किसी का कुछ आया, तनीसा सर, 2R/3, तुम्हें लॉजिक बताए थे, वो लॉजिक तुम लोग समझे ही नहीं, लेट्स सी द फिगर ना, ये ए है, ठीक है, इस फोटो को देखो, ए पॉइंट है, इधर से वायर गया इधर, ये आर, ये ऊपर में ऐसा आर, अब देखते जाओ हम क्या करते, ठीक है, बीच वाला रेजिस्टेंस भी आर, इधर भी रेजिस्टेंस आर, अब तुम्हें क्या करना था, ये लॉजिक सब कैपेसिटर में हमने तुम्हें बताया था, ठीक है, बट तुम लोग समझे नहीं, ये रेजिस्टेंस आर और ये रेजिस्टेंस आर, यही है रे फिगर, अरे फिगर यही है, तो कैपेसिटर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, और जब रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सोचते हैं, ठीक है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सोचेंगे, कि एक बैटरी लगा देते हैं, कितने वोल्ट का मान लेते हैं, वी वोल्ट का, करना नहीं है ये, बस सोचना, इधर से करंट गया मान लो I1, इधर से करंट गया I2, इधर से करंट गया I3, जाएगा तो ये I1 इधर से निकल जाएगा, इधर से आएगा कितना I2, और इधर से आएगा कितना I3 आएगा, यस सर, ठीक है सर, तो पहला चीज क्लियर है ना, ये क्वेश्चन था ना, तो ये I3 जो ऐसे निकल गया, मतलब यहां से I3 आ रहा है और यहां से I3 जा रहा, बिकॉज इधर से देखो तो जैसा फिगर दिखता है इधर से भी फिगर बिल्कुल वैसे ही दिखता है, तो एक तरफ से करंट इंटर करेगा और एक तरफ से करंट I निकल जाएगा, बराबर है, अब यस सर, तो I3 जा रहा है, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब यहां पे करंट क्या होगा, जीरो, जीरो होगा ना, तो ये करंट जीरो होगा, तो इसको हम यहां से हटा देते, अरे हाना, यस सर, ठीक है, तो ये आर और आर क्या हो गया, आर बाई टू, अब हो गया ना, ये आर और आर, आर बाई टू पैरेलल में सीरीज में, सॉरी 2R, गलत लिख, 2R हो गया सर, 2R, इट इज 2R, ये दोनों आर और आर, तुम देखो कि आई टू जो जा रहा है, ये आई टू इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है और इधर निकल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इस जंक्शन को क्या करेंगे, ये जो जंक्शन है ना, इसको हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस को यहाँ पे ना जोड़ के ऐसे रह देते हैं, क्योंकि I2 करंट इधर जा रहा है, इस जंक्शन में तो जा ही नहीं रहा, तो ये R और ये R भी सीरीज में कितना हो जाएगा, 2R, और ये R और ये R भी कितना हो जाएगा, 2R, और 2R कितना हो जाएगा, 2R/3, किसका सही था रे, दो लोग का सही था, हाँ सर, मेरा मेरा भी सही था, कोई लोग बोले थे भाई, सर मैं भी बोला था, मैं तो सबसे पहले बोला, ठीक है, एक अर्पित बोल रहा, जबरदस्ती, तीन लोग का सही था, बाकी सबका गलत, क्लियर है ये, यस सर, यस सर, या तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये तो एक तरीका है, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि
समझ गए यहाँ तक? इसको हम दोबारा करके बताते हैं। इसको तुम क्या कर सकते थे कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला दिख रहा, ये इसके साथ कैसा है? पैरेलल में। पैरेलल में तो हम डायरेक्ट कैसा करें, इस रेजिस्टेंस को आर बाय टू करें, आर बाय टू, और ये पैरेलल में है, फिर ये और ये पैरेलल में है, तो इधर फिर से ये आर बाय टू, ठीक है, और इधर हो जाएगा ये आर, और ये हो गया आर, और बीच वाला रेजिस्टेंस भी आर, ऐसे हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है। यस सर। ये हटा दिए, ये आर बाय टू, अब ये फिर से बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज बन गया, तो इस आर का कोई लेना देना नहीं रहा, तो हमारा फिगर बन गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आर और ये रेजिस्टेंस हो गया टू आर, और ये दोनों कैसे जुड़ गया, ये आर है पैरेलल में टू आर, और आर आर टू आर, ये पैरेलल में हो गया, सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज आर इनटू टू आर बाय आर प्लस टू आर, सो दिस टू आर बाय थ्री। समझ में आया क्या? यस सर। ये सारे तरीके बताए थे? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी इसमें थोड़ा क्वेश्चन और करना है अपने को। टेल मी व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ये सारे वही लॉजिक है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अभी नया लॉजिक अपन पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। रेजिस्टेंस में ये सब क्वेश्चन तो कैपेसिटर वाला ही कर रहे हैं। बोलो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, जल्दी। सब खा गो रे तुम लोग, मैंने बोला था, तुमने बोला था ना, देखो यहाँ से इस पॉइंट को नीचे खींचना है और इसको यहाँ से ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर कैसा बन गया, ये पॉइंट ए है, ये रेजिस्टेंस हमारा आर है, फिगर को रीअरेंज करना भी हम सिखाए थे, और ये ऐसा हो गया, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ई आर है और ये ऐसे चला गया, यहाँ से ऐसे आया ये आर, ये वाला, और इसके बाद ये यहाँ से ऐसे ऊपर हो गया, और यहाँ से एक आया ऐसे, और यहाँ से एक आया आर ऐसा, यही है फिगर, देखो रे, अरे यही फिगर है ना, इसको हमने ऊपर उठा दिया, ठीक है, और इसको नीचे खींच दिया, नीचे खींचा ये वाला, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं तो फिगर कैसा बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर ऊपर वाला, इसको ऊपर खींच देते हैं तो ये आर इधर आ गया, ये वाला नीचे आ गया, ये इधर चला गया, और फिर ये ऐसे जुड़ गया और बीच वाले को सीधा कर दिया, बीच वाले को ऐसे सीधा कर दिया, देखो बोलते हेलो, तो ये पहले ही कोशिश होगी नहीं, सर हो गया। ये डायग्राम चेंज करना तुम्हें सिखाए थे लेकिन तुम लोग सीखे नहीं, इसका मतलब कि कैपेसिटर पूरा भूल चुके हो, समझे? अब समझे? टेल मी व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, हर्षिता बोलो रे, 3R, 3R by 2, दो आंसर, और 3R by 2, वेरी गुड। हर्षिता, अदिति, ट्राई करो रे, तू लोग कोशिश करो, हर्षिता बोलो रे, हाँ सर, सर बोला, 3R ऋषिबा ने बोला, और सर R by 3, ऑल दीज आंसर्स आर एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, गलत क्यों हुआ ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा लॉजिक रिवाइज कर लेना रे, देखो इस रेजिस्टेंस को देखो, यहाँ से यहाँ तक ये लाल वाला बाउंड्री जो है एक ही वायर है, देखो, और इस रेजिस्टेंस को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही वायर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, गायब हो गया, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जीरो, ये भी गायब हो गया, ठीक है। इस वाले को हम थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इसे, और इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ऐसे, तो हमारा फिगर जो बनेगा, ये समझ में आ रहा है सिपा, ये गायब हो गया, ये ऐसा हो गया आर, ये ऐसा हो गया आर, और ये चल करके इधर आर बचा, तो दो रेजिस्टेंस तो गायब हो गया, ये वाला गायब हुआ और ये वाला गायब हुआ, ये दोनों गायब कर दिए। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम इधर खिसका के लिया यहाँ पे, ये वाला एंड और ये एंड को खिसका के यहाँ कर दिए,
तो हमारा फिगर जो बन जाएगा ये रेजिस्टेंस को हमने यहां और यहां जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं ना, तो एक तो आर 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 पैरेलल में क्या हो जाएगा आर बाय टू आर बाय थ्री कैपेसिटर में छूट जाता है सी 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 थ्री सी बट रेजिस्टर में डिवाइड हो जाता है ना। अरे सबसे अब गलत नहीं होना चाहिए, टेल मी व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये सब टू डायमेंशनल क्वेश्चन कर रहा है, अभी अपने को इनफाइनाइट नेटवर्क करना है, ठीक है, फिर और क्वेश्चन करना है, थ्री डायमेंशन करना है, ये सब करना है, ठीक है। पहले ये तो बेसिक तो समझ में आए, टेल मी द आंसर जल्दी सर। टू आर बाय थ्री, टू आर बाय थ्री कौन बोल रहा है वैभव? सर दिव्यांश। दिव्यांश टू आर बाय थ्री, हाँ सर टू आर बाय थ्री, आंसर इज टू आर बाय थ्री। क्योंकि जब ए और बी से तुम बैटरी जोड़ोगे तो ये करंट आई वन आई टू और ये आई थ्री, तो इधर से आएगा आई वन, इधर से आएगा आई टू और इधर से आएगा आई थ्री। आई वन देखो यहाँ से जो जा रहा है इधर, तो इसमें कोई करंट नहीं, आई थ्री जो इधर से जा रहा है वो इधर, मतलब इसमें कोई करंट नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस बिना काम का हो गया, को गैप कर देंगे तो ये आर आर कितना टू आर और ये आर आर कितना टू आर और ये आर आर कितना टू आर और जाएगा टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री। दो तीन लोगों का सही हुआ मेरे ख्याल से, समझ गए हो? यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करके आओ अब, क्योंकि अभी अपने को बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। अब वो सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जरा इसका भी बता दो, रेजिस्टेंस अक्रॉस पी एंड क्यू, दो मिनट है बता दो, रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। अभी और क्वेश्चन करना है अपन, धीरे धीरे करेंगे, मेन इसमें रेजिस्टेंस खत्म हुआ तो फिर जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब 10-12-15 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कैपेसिटर का लेवल थ्री सब कर लिए हो ना, एससी वर्मा कैपेसिटर का हो गया, लेकिन लेवल थ्री का आपको पता नहीं चल रहा है, आ गया सर आर बाय टू कितना रहे, आर बाय टू एक आंसर ये बोल रहे हैं आर बाय टू, और फोर आर बाय सेवन, फोर आर बाय एट आर बाय फिफ्टीन सर, सिक्स आर बाय इलेवन, एट आर एट आर बाय फिफ्टीन सर, सिक्स आर बाय इलेवन, सिक्स आर बाय इलेवन, एकदम लाइन लग गया ना आंसर का एकदम। हाँ आर, और भी कुछ बचा हो, थ्री आर बाय टू, फाइव आर बाय एट, ऐसा सब बचा है ना, चलो थ्री आर, थ्री आर इसको सोच के आओ, तुम लोग जरा बुद्धि लगाओ, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तुम लोग जरा सोच के आओ परसों, ठीक है, परसों बात करते हैं, अब आज के लिए इतना ही करते हैं, परसों यहाँ से शुरू करेंगे। तुम लोग जरा इस क्वेश्चन को उतारो और सॉल्व करो, और एससी वर्मा में खूब सारे क्वेश्चन ऐसे सर्किट वाले, एससी वर्मा में खूब सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई करना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का, ठीक है। अब आते हैं, अब तक परसों देखेंगे, तुम लोग पहले ट्राई कर दो, ठीक है, चलो अगले दिन मिलेंगे, बाय। ओके, थैंक यू सो मच।